Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hello दोस्तों, टेक्नोरिव्यूज में आपका स्वागत है और फाइनली इन्फिनिक्स ने आज इंडिया में अपने इन्फिनिक्स नोट 7 को लॉन्च कर दिया है. यस, और आज इसके अनबॉक्सिंग और सारी जानकारी दूंगा फुल एकदम टेक्नोरिव्यूज स्टाइल में. साथ में दोस्तों मैं इसका गिव अवे कर रहा हूं, आप में से एक लकी विनर ये फोन जीत सकता है. तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्लीम की लिंक दिया हो, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करिए. बहुत ही जल्दी मैं उसका विनर भी अनाउंस करूंगा. ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को इन्फिनिक्स नोट 7 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं. अब फटाफट से दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं. सामने देखेंगे इन्फिनिक्स नोट 7 लिखा है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, हीलियो G70. आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज यहां पर मिलेगी और DTS ऑडियो का सपोर्ट मिलता है. क्या बात है, इंप्रेसिव. और पीछे की तरफ देखेंगे, ऊपर सारी हाइलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है, बड़ा सा मेड इन इंडिया का यहां पर लोगो है. और सार वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो हेड के लिए यहां पर 0.971 है और बॉडी के लिए 0.919. तो ऑब्वियसली इंडियन सार जो लिमिट है उसके आपको नीचे देखने को मिलती है. और यहां पर नीचे की साइड देखेंगे, जो कलर मेरे पास आया हुआ है वो फॉरेस्ट ग्रीन है. वैसे आपको इसमें एक ब्लैक और एक ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा. अब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इसको ओपन करते हैं. उप्स, यहां पर इसको तो हमने खोला ही नहीं, यहां से ये हो जाएगा ओपन. और ये क्या बात है, तो अक्सर सारे इन्फिनिक्स के फोन में ऐसे ही बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ रहता है. तो ये आ चुका है फोन हमारे हाथ में. एक्चुअली में बहुत ही बड़ा फोन है यार, मतलब ऑब्वियसली 6.95 इंच की डिस्प्ले है तो वैसे ही आपको मिलेगा. और 5000 इंच की बैटरी यार, मतलब हल्का फील हो रहा है. तो पहले हम इस स्टिकर को यहां से निकाल देते हैं और इसको भी, क्या बात है, ओहो मस्त एकदम आपको यहाँ पर डिजाइन मिलती है. और ये ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन डुअल आपको यहाँ पर डिजाइन मिलती है. नीचे ग्लॉसी मैट जैसा मैं बोल सकता हूँ, और ऊपर एकदम ग्लॉसी मिलता है, मल्टी कलर है, कर्व्ड एजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो डिजाइन दोस्तों आपको काफी बढ़िया मिलती है. लेकिन यहाँ पर जो कैमरे का कटआउट है दोस्तों, ये जो ग्लास है इस पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन देखने को मिलती है. जी हाँ, तो फोन पॉलीकार्बोनेट है लेकिन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास है. और कैमरे का बम्प भी आपको वैसे इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है. तो मैं इसको वेट करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं. तो यहाँ पर हम हमारे फोन को रखते हैं और 206 ग्राम, इंप्रेसिव. और थिकनेस भी देखेंगे दोस्तों, तो आपको 8.6 mm की थिकनेस पर मिलता है. तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर थोड़ी ठीक लगी है. और फिजिकल और की बात करेंगे दोस्तों, तो नीचे आप देखेंगे आपको 3.5 mm जैक मिलता है, आपको माइक वाले माइक्रो यूएसबी पोर्ट है. जी हाँ, टाइप सी होना चाहिए था. आपको स्पीकर मिलता है, ये पहला स्पीकर यहाँ पर है. लेफ्ट में दोस्तों आपको सिम ट्रे मिलता है, यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है. राइट साइड में दोस्तों आपको पावर बटन मिलता है, ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, लेकिन ये जो पावर बटन है इसमें फिंगरप्रिंट आपको एम्बेडेड मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसके अंदर. लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगी, बड़ा फोन है तो उसके हिसाब से उन्होंने पोजीशनिंग उसकी अच्छी रखी, ताकि आप ऐसे होल्ड करें तो बराबर से आपका हाथ वहां पर जाएगा और आप अपने फोन को अनलॉक कर सके. तो ये चीज अच्छी है. ऊपर की तरफ दोस्तों कुछ नहीं है, यानी कि आपको इसमें सिंगल माइक होल ही मिलता है. और सामने की साइड आपको इसमें दूसरा स्पीकर मिलता है. जी हाँ, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है. इसको रखते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए साइड में, देखते हैं आपको बॉक्स में यहां पर क्या कुछ मिलता है. तो ये आपको 18 वॉट का दोस्तों फास्ट चार्जर मिलता है पहली बार, मतलब आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा. तो इसके थ्रू आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकेंगे. उसके बाद आपको यहां पर एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहां पर देखने को मिलते हैं. और उसके बाद दोस्तों आपको एक बैक केस भी यहां पर मिलता है जो एकदम हल्का फुल्का सा है. और उसके अलावा दोस्तों आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यहां पर देखने को मिलता है. तो काफी सारी चीज आपको बॉक्स में यहां पर देखने को मिलती है, बस ईयरफोन यहां पर मिसिंग है. तो ये दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट, सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ. अब दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ और सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है एंड्रॉइड 10 और इनका खुद का कस्टम यूआई है एक्सओएस 6.1.0. बहुत सारी चीजें मिलती है कस्टमाइज करने के लिए, काफी सारे आपको फ्री थीम्स मिलते हैं, डार्क मोड है, वो जेस्चर वाले आपको काफी सपोर्ट मिलते हैं, प्लस सोशल टर्बो भी इसमें. तो व्हाट्सएप के आप रिकॉल रिकॉर्ड करिए, डिलीटेड मैसेजेस देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलती है. और हाँ, कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी मिलते हैं जो अननेसेसरी है, जिनको आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं. और मुझे वैसे कोई बैंड चाइनीज एप्स भी नहीं दिखाई दिए. हाँ, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है. कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, GPS है, डुअल 4G वोल्टी है. तो कनेक्टिविटी में ये सारी चीजें आपको अच्छी मिलती है. और सेंसर्स की बात करें तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो सेंसर्स है वो सब मिलते हैं, एक्सीलरोमीटर है, जायरोस्कोपी के, प्रॉक्सिमिटी लाइट वगैरह. तो वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है. सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और आपको फेस अनलॉक दोनों मिलता है. मैंने ये वाली फिंगर लगाया तो आपको दिखा दूं, देखेंगे मैंने टच किया ओपन हो गया, फिर से आपको दिखाता हूं, टच किया ओपन हो गया तो काफी फास्ट है. और फेस अनलॉक भी दिखा दूं, ये देखेंगे देखते खुल गया, फिर से आपको दिखाता हूं, ये देखेंगे. तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों आपको काफी अच्छा मिलता है. ऑडियो की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है. जी हाँ, आपको एक ईयरपीस में मिलता है, एक नीचे स्पीकर इसका दिया गया है और DTS वगैरह का आपको सपोर्ट मिलता है. तो ऑडियो क्वालिटी लाउड है और काफी अच्छी है. ये देखेंगे स्टीरियो इफेक्ट है,
ऑडियो दोस्तों अच्छी है, डुअल स्पीकर है, तो यहाँ पर वैसे आपको काफी मजा आएगा। स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको मिलता है LPDDR4, जी हाँ 4X नहीं 4 है, और eMMC 5.1K स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहूंगा, जब मैं इसको यूज कर रहा था नॉर्मली तो मुझे कोई भी ऐसा लैग शटर नहीं दिखाई दिया। ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया, तो उन मामलों में मुझे ऐसा कोई हैवी लैग नहीं नजर आया। तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस जो वो स्मूथ होगा, उस मामले में वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते दोस्तों यहां पर इसके डिस्प्ले पर। डिस्प्ले आपको काफी बड़ा मिलता है, 6.95 इंच की आपको HD+ की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, जहां पर आपको सिंगल पंच होल मिलता है ऊपर लेफ्ट साइड में, लेकिन काफी छोटा सा है, और 91% से ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो जो बेजल से ऊपर लेफ्ट राइट और नीचे हल्के चीने, लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं है, तो वो चीजों को उन्होंने यहां पर काफी अच्छे से मेंटेन किया है। ब्राइटनेस भी काफी इंप्रेसिव है, 418 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, तो आउटर विजिबिलिटी भी अच्छी थी। साथ में मैंने इसमें जो वीडियो देखा, दूसरे जो काम किया, तो उन मामलों में दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस था इस फोन में वो काफी कमाल का था। तो डिस्प्ले है दोस्तों वो बहुत ही इंप्रेसिव है। हाँ, फुल HD+ होता तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे ख्याल से आपको इसके डिस्प्ले में काफी मजा आएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो थैंकफुली ये इन्फिनिक्स का पहला ऐसा फोन है इंडिया के अंदर जिसमें आपको हीलियो G70 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है, हमें पता है दोस्तों काफी फोन्स में हमें देखने को मिला है, तो ये अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। मीडियाटेक की हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी वगैरह आपको मिल जाती है, तो आप चाहे तो उसमें अच्छे गेम्स खेल सकते हैं, नॉर्मल गेम से लेके आप हाई ग्राफिक्स वाले भी खेल सकते हैं। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी डाला हाइपर सेट करके खेला, तो इट वॉज गुड। तो हाँ, गेमिंग के लिए दोस्तों आपको ये फोन सही रहेगा, और नॉर्मल गेम्स खेल लो दूसरे भी तो उसमें भी आपको काफी सही रहेगा। तो अच्छा लगा कि इसमें आपको हीलियो G70 वाला प्रोसेसर मिलता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। अब बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, काफी अच्छी कैपेसिटी की आपको बैटरी मिलती है, और बैटरी बैकअप दोस्तों बहुत अच्छा है। मतलब मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से जो मुझे बैकअप मिला उससे मैं इंप्रेस हूं। तो बैटरी बैकअप दोस्तों इसमें आपको काफी अच्छा मिलेगा, और साथ में उन्होंने 18W का फास्ट चार्जर भी बॉक्स में दे दिया, अच्छी बात है, जिसके थ्रू आप इसको फास्ट चार्ज कर सकेंगे। मैंने ट्राई किया, 2 घंटे के आसपास ये उसको फुल चार्ज कर देता है, कंसीडरिंग 5000 mAh की बैटरी है, तो अच्छी बैकअप आपको मिलती है, और चार्जिंग के लिए थोड़ा आप इसको फास्ट चार्ज भी कर सकेंगे, तो उन मामले में दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों आते हैं यहां पर इसके कैमरे पर। आपको दोस्तों पीछे क्वाड रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का है, जी हां f1.8 का अपर्चर है, मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, AI वाले काफी सारे मोड्स है, पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह सब कुछ मिलता है जो प्रीवियसली इन्फिनिक्स के फोन्स में हमें मिल रहा था। लेकिन इस बार दोस्तों आपको दो और नई चीजें मिलती है जो देखकर मुझे यहां पर काफी अच्छा लगा। एक आपको मिलता है सुपर नाइट मोड, यस, अब आप नाइट में अच्छे पिक्चर्स निकाल सकते हैं, जो फाइनली आपको अभी इस फोन में देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलता है स्टेडी मोड, यानी कि आपको वीडियो में अच्छी स्टेबलाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो यहां पर उन्होंने इसके कैमरे में ऐड कर दिया है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 का डेप्थ है, और 2 का आपको एक AI वाला सेंसर मिलता है। हालांकि मैक्रो की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने कहा उसकी जगह अगर अल्ट्रा वाइड होता ना तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होता था। एनीवेज 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहां पर भी आपको मैक्स फुल HD वीडियो शूट करने मिलता है, इसमें भी पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह है, और AI वाले बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने स्टेबल मोड दे दिया वीडियो में, यानी कि अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस भी आप सेल्फी में निकाल सकेंगे। अब पिक्चर की क्वालिटी देखेंगे दोस्तों, तो काफी इंटरेस्टिंग फोटोस यहां पर निकल कर आए हैं, आप देखेंगे कलर्स वगैरह सब कुछ अच्छे, ब्राइट पिक्चर्स है, और शार्पनेस वगैरह भी दोस्तों आपको अच्छी मिल रही है, और जो 48 मेगापिक्सल सेंसर है वो अच्छा काम कर रहा है। हाउएवर मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बीइंग इन्फिनिक्स फोन, लेकिन फिर भी इस बार उन्होंने कैमरे के मामले में भी अच्छा काम किया है, तो अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स आपको यहां पर मिलते हैं, और बुके वगैरह भी देखेंगे तो आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। सेल्फी की बात करेंगे, सेल्फी भी दोस्तों अच्छी है, आपको अच्छी शार्प फोटोज मिल जाती है, बुके भी बैकग्राउंड में अच्छा है, और ब्राइट सेल्फी आपको यहां पर भी मिलती है, लेकिन हाउएवर सेल्फी में कहीं के डायनामिक रेंज में थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको सेल्फी यहां पर अच्छी मिल जाती है। वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो भी अच्छी है दोस्तों, आपको अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस निकालने का मौका मिलता है, और शार्प है, कलर्स भी अच्छे हैं दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों मुझे यहां पर ठीक लगा। फुल HD सैंपल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और सेल्फी वीडियो देखेंगे तो ये भी अच्छा है दोस्तों, फुल HD सैंपल आपको दिखा रहा हूं, ब्राइट है, शार्पनेस वगैरह अच्छी है, बस यहां पर थोड़ा डायनामिक रेंज में इशू है, लेकिन ओवरऑल स्टेबलाइजेशन भी आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है, तो रियर और सेल्फी वीडियो दोस्तों आपको यहां पर ठीक मिलता है। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, सुपर नाइट मोड मिल जाता है, तो उससे मैंने ट्राई किया, तो यहां पर ब्राइट पिक्चर्स ले सकते हैं, और थोड़े कलर्स वगैरह ये बूस्ट करता है, तो कुछ वैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आपको मौका मिल जाता है अगर आपको नाइट में पिक्चर लेना है तो आप यहां पर निकाल सकते हैं, ये फीचर आपको उन्होंने दे दिया है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस फोन से रिगार्डिंग, देखिए दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि इन्फिनिक्स अब अच्छी शुरुआत कर रहा है, और नॉट बैड मैं ऐसे कहूंगा, और धीरे धीरे अब वो लोग अच्छी राह पर जा रहे हैं, मैं ऐसे बोलूंगा। मानते हैं कि बहुत कॉम्पिटिशन है जिस प्राइस पर ये फोन आया है, 11,500 रुपए की प्राइस है, एक ही
वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, उस प्राइस पर हमें दूसरे भी काफी सारे फोन्स मिलते। मेरे ख्याल से प्राइस अगर थोड़ी कम होती ना तो और भी अच्छा होता था, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको डिस्प्ले बहुत ही इंप्रेसिव मिलता है, काफी बड़ा डिस्प्ले। प्राइस पर और कोई कंपनी नहीं जो इतना बड़ा डिस्प्ले देती है, और आपको मानते हैं HD प्लस है लेकिन ब्राइट डिस्प्ले, वीडियो व्यूइंग और जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा इसमें वो आपका काफी अच्छा होगा। जो प्रोसेसर है वो डिसेंट इनफ है, आप इन्फिनिक्स के फोन में आप अच्छे से गेम्स खेल सकेंगे नो डाउट, और साथ में आपको कैमरा भी अच्छा मिलता है, प्लस सुपर नाइट मोड और वो स्टेडी मोड उन्होंने दे दिया है, तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। बैटरी बैकअप इसका मुझे काफी अच्छा लगा है, और फास्ट चार्जिंग वगैरह भी दे दिया है, तो शुरुआत उन्होंने यहां पर काफी अच्छी करी है, और मुझे लगता है कि आगे जहां तक मुझे पता है कि और भी बहुत अच्छे फोन वो लोग अच्छी प्राइस पर लॉन्च करेंगे, तो शुरुआत नोट 7 से यहां पर हो गई है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मुझे फोन अच्छा लगा है, बस प्राइस जैसे कि मैंने कहा स्लाइटली कम होती है ना थोड़ी, तो और भी ज्यादा मजा आता था। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।